रायगढ़ पुलिस ने लंबित चिटफंड मामलों को प्राथमिकता पर रखा है और लंबित मामलों में आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी से लेकर कंपनी की संपत्ति सीज करने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम इंडिया लिमिटेड के दो डायरेक्टर और शेयर होल्डर की गिरफ्तारी में अहम सफलता पाई है। 2016 में ही कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। वह कुछ दिन पूर्व कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली कि इस चिटफंड कंपनी के दो डायरेक्टर पड़ोसी जिला जांजगीर चांपा में छिपे हुए हैं। तत्काल पुलिस टीम जांजगीर रवाना हुई और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली थाने में 2016 में एक मामला दर्ज हुआ था, ये प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम कंपनी के खिलाफ में चिटफंड का मामला। इसमें उनके द्वारा काफ़ी सारे लोगों से पैसा जमा करवा कर ये कंपनी वहाँ से भाग गई थी। उस वक्त 10 लोगों का नाम इसमें आया था कि जिन लोगों ने जमा किया था इनका पैसा। अभी रिसेंटली कलेक्ट्रेट में और भी एप्लीकेशंस दी गई हैं, तकरीबन 600 के आसपास, जिनमें टोटल और भी पैसा जो बता रहे हैं कि उनका कंपनी लेके गई 2 करोड़ के आसपास में बता रहे हैं। उस वक्त जो पैसे का अमाउंट बना था 2,65,000 के आसपास बना था, बट अब वो 2 करोड़ को क्रॉस कर गया है। तो इसके जो शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स थे उनकी पतासाजी बहुत लंबे समय से की जा रही थी। तो इसी में कोतवाली पुलिस को सफलता मिली कि जांजगीर से इनके दो शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स जो हैं वो बरामद यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं। एक है चांद मोहम्मद और एक है भैरव मिश्रा। इन दोनों को पकड़ा गया है। पहले इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ KYC के चेंज कर रखे थे, तो इनको ट्रैक कर पाने में दिक्कत हो रही थी। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद लेके हमारी कोतवाली पुलिस ने उनको ट्रैक किया है। इससे पहले ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बट इनके खिलाफ में और भी जिलों में मामले दर्ज हैं। ऐसे ही वीडियो स्टोरी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।